जय हिंद मेरठ मित्र चैनल आई टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं इस वक्त की खास खबर, बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट में। देखिए क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ से थाना गंगानगर क्षेत्र के रियेश पब्लिक स्कूल की प्रॉपर्टी पर दो पक्षों में एक जमकर हंगामे और हाई वोल्टेज ड्रामे का मामला सामने आया। ये विवाद पति और पत्नी जिनका कोर्ट के अंदर तलाक का मामला चल रहा है, दोनों पक्ष स्कूल पर जिसका नाम रियेश पब्लिक स्कूल है गंगानगर में स्थित है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं। वहीं दोनों पक्ष स्कूल पर अपना हक जता रहे हैं। आपको बता दें नेवी कैप्टन विक्रांत चौहान और उनकी बहन डॉक्टर अनीता जो कि खुर्जा में रहती हैं, पेशे से गायनी है, महिला डॉक्टर हैं, उनका विवाद विक्रांत की पत्नी सीमा चौहान से एक स्कूल को लेकर चल रहा है। देखिए क्या और किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन्होंने कोर्ट का जो ऑर्डर है तोड़ मरोड़ करके पुलिस को गुमराह करके कब्जा करने की नीयत से हर बार आती है, असफल हो जाती है। डैडी की प्रॉपर्टी है ये, बदतमीजी ना करें, इनसे बोलिए बदतमीजी ना करें। तो मैडम चलिए ना, फिर कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि इनको ना घुसने दिया जाए, ये नहीं घुस सकते इसमें। उसके बावजूद गलत तरीके से कब्जे की नियत से घुस जाते हैं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चल रहा है, पुलिस के ऊपर, पुलिस के पास में सारी सब कुछ मौजूद है, पुलिस अपनी डॉक्यूमेंटेड कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ये कुछ करवा नहीं पा रहे हैं इस वजह से इन्हें दिक्कत हो रही है। इन्होंने एडीजी तक को अप्रोच किया है, वहाँ से भी सारी एप्लीकेशंस वगैरह सब गई हैं, सारी कार्रवाई हुई है। आपको अगर पता करना है एडीजी ऑफिस में जाइए क्या रिपोर्ट गई है, किस तरह से पुलिस को गुमराह किया जा रहा है इनकी तरफ से, और पुलिस गुमराह नहीं होती तो इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा, एविडेंस मांगा जाएगा, एविडेंस पहले भी दे चुकी हूँ, बार बार दूंगी, और एविडेंस के बेसिस पे ही डिसाइड होगा, और थोड़े दिन रुक जाइए सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। मेरा नाम कैप्टन विक्रांत सिंह चौहान है, ठीक है, मैं ये सीमा चौहान, ये मेरी पत्नी है जिनसे मेरा विवाद है, इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, मेरी दादालाई संपत्ति है, स्कूल ये मेरा है, रेयश इंटरनेशनल स्कूल है, ट्रस्ट है यशस्वी चैरिटेबल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ, ट्रस्टीज हम अलग हैं, लेकिन ये सीमा चौहान इन्होंने जबरदस्ती कर रखा है कब्जा, और ये देखिए ये है विवेक शर्मा, ये भू माफिया है, इन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, कहती हैं रेंट पे है और उसके बाद भी रेंट पे दे रही हैं, स्कूल मेरा है, ट्रस्टी मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, और अब पुलिस यहाँ पर आके मुझे व्यवस्थित थाने ले जा रही है। ये मेरे सारे कागजात हैं, सब है मेरे पास, सब लीगल है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी यही हो रहा है, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। और जो स्टे जो है वैकेंसी